चक्रवर्ती चक्रवर्ती मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था, उसको आज फिर से बता रहा हूँ कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को अगर 12 दिन में करता है और बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी तरीका सी प्लस ए मिलकर किसी काम को अगर 20 दिन में करता है, तो कल बता दिए थे कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। अब इसी में एक क्वेश्चन हो सकता है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, उसी तरीका से बी अकेला कितना दिन में करेगा और सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम ले लेते। एलसीएम कितना हो जाता? 60 हो जाता। ये टोटल वर्क हो गया 12, 15 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। अगर ए प्लस बी मिलकर 60 काम को अगर 12 दिन में करेगा, इसका मतलब ए प्लस बी के एक दिन की क्षमता 5 हो जाता। टोटल 60 काम है, 60 काम अगर 12 दिन में करना है तो एक दिन में ए प्लस बी का क्षमता 5 हो जाता। उसी तरीका से बी प्लस सी का क्षमता 4 हो जाता। उसी तरीका सी प्लस ए का क्षमता 3 हो जाता। कल हम बता दिए थे कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को तीनों मिलकर इसको कैसे करेगा बता दिए थे। अब इसी में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। पहले यहाँ से अगर आप तीनों का क्षमता निकाल लेते, जब इसको सभी को ऐड करते तो डबल आ जाता, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाता, ए प्लस बी प्लस सी। आ इधर इस तीनों का क्षमता अगर जोड़ देते, 5 4 9 3 12 हो गया। यहाँ से आप ए प्लस बी प्लस सी का अगर क्षमता निकाल लेते तो 12/2 ये कितना आ जाता, 6 आ जाता। इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, जो कल बता दिए थे। अब इसमें ये पूछेगा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। ए अकेला टोटल वर्क अगर 60 है, टोटल वर्क अगर 60 है, इसमें अगर आप एक क्षमता से अगर भाग दे देते तो ये अकेला कितना दिन में करता पता चल जाता। तो यहाँ से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी क्षमता अगर 6 है, इसमें आप बी प्लस सी घटा देते। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी में अगर आप बी प्लस सी का क्षमता घटा देते तो ए का क्षमता बच जाता। तो यहाँ से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी क्षमता 6 है और बी प्लस सी का क्षमता 4 है, तो 6 में से 4 घटा देते तो ए का क्षमता कितना हो जाता, 2 हो जाता। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, तो ए का समय कितना दिन हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। उसी तरीका से बी का अगर आपको पूछ देता, टोटल वर्क 60 है, अगर बी का आपको क्षमता निकल जाता तो बी का आपको समय निकल जाता। टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग देते समय निकल जाता, तो बी कब निकलता, जब ए प्लस बी प्लस सी में आप सी प्लस ए का क्षमता अगर घटा देते। यहाँ से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 6 है और सी प्लस ए का क्षमता 3 है, अगर इस 6 में से 3 घटा देते सी प्लस ए तो बी बच जाता। तो ये 6 में से 3 घट जाता तो कितना बच जाता, 3। 3 से इसको भाग देते तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करता, 20 दिन में करता। उसी तरीका से आपको अगर सी पूछ देता तो टोटल वर्क 60 है, अगर आप सी का क्षमता निकाल लेते। टोटल वर्क 60 है, अगर आप सी का क्षमता निकाल लेते तो समय निकल जाता कि सी अकेला कितना दिन में करता। तो सी कब निकलेगा, जब ए प्लस बी का क्षमता आप इसमें घटा देते तो सिर्फ सी बच जाता। तो तीनों का क्षमता 6 हो गया और ए प्लस बी का क्षमता देखिए 5 हो गया, तो 6 में से 5 जाता तो कितना बच जाता, 1। इसका मतलब है कि ए अकेला सॉरी सी अकेला इस काम को 60 दिन में करता। इसमें दो टाइप का यही क्वेश्चन बनता है, एक टाइप का और क्वेश्चन है अभी बताऊंगा। एक बार और बता देते हैं कि ए प्लस बी 12 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 दिन में करता है, सी प्लस ए 20 दिन में करता है। तो इसमें ऐसे पूछेगा कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, या ए अकेला कितना दिन में करेगा, या बी अकेला या सी अकेला। तो ये तीनों का एलसीएम 60 हो गया, ए प्लस बी का क्षमता 5 हो गया, उसी तरीका से बी प्लस सी का क्षमता 4 हो गया, सी प्लस ए का क्षमता 3 हो गया। आप यहां से अगर इसको ऐड करते तो डबल डबल सब आ जाता। इसको 2 कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता ये 5 4 9 3 12 हो गया। यहां से निकाल लेते ए प्लस बी प्लस सी क्षमता कितना आ जाता, 6 आ जाता। तो ए का अगर निकालना है तो बी प्लस सी क्षमता आप इसमें घटा देते तो एक क्षमता निकल जाता। उसी तरीका से बी का अगर निकालना है तो सी प्लस ए का क्षमता अगर इसमें से घटा देते तो बी निकल जाता। इसी तरीका सी निकालना है तो ए प्लस बी की क्षमता 5 है और तीनों की क्षमता 6 है, इसको अगर इसमें से घटा देते तो अकेला निकल जाता।
अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको बताता हूँ। इसको देखिए कि ए प्लस बी किसी काम को अगर 40 दिन में करता है, उसी तरीका से बी प्लस सी उसी काम को 36 दिन में करता है, और कहता है कि तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। एक बार बता देते हैं, ए प्लस बी 40 दिन में, बी प्लस सी 36 दिन में, तीनों मिलकर कहता है कि 24 दिन में करता है, तो बी अकेला, या ये पूछ देता है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा या सी अकेला कितना दिन में करेगा। ये तीनों का आप एलसीएम ले लेते, ये तीनों का एलसीएम 360 हो जाता, ये 9 बार में, ये 10 बार में और ये 15 बार में। ये तीनों का एलसीएम 360 हो गया। 360 अगर इसको आप बनाते तो 9, ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता 9 हो जाता, बी प्लस सी का एक दिन का क्षमता 10 हो जाता, ए प्लस बी प्लस सी क्षमता एक दिन का 15 हो जाता। अब आपको कहता है कि बी अकेला कितना दिन में करता, तो टोटल वर्क में अगर बी की क्षमता से आप भाग दे देते हैं, टोटल वर्क में अगर आप बी की क्षमता से भाग दे देते हैं, तो बी का समय निकल जाता। यहाँ से देखिए कि अगर ये दोनों का आप ऐड करते, ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो यहाँ से जब आप इसको ऐड करते तो यहाँ से देखिए ए और डबल बी आ जाता, सी आ जाता, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर इसमें घटाते तो सिंगल बी बच जाता। तो यहाँ से देखिए कि 10 और 9, 10 और ये 9 जोड़ते 19 हो जाता, और 19 में से 15 जाता, कितना बच जाता 4, तो ये कितना दिन आ जाता बी का अकेला 9 दिन आ जाता। एक बार बता देता हूँ कि ए प्लस बी अगर 40 दिन में करता है, बी प्लस सी अगर 36 दिन में करता है, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में करता है, तो कहता है बी अकेला कितना दिन में करता है। ये 40, 36 और 24 का एलसीएम 360 हो जाता, इसको ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता 9 हो जाता, बी प्लस सी के एक दिन का क्षमता 10 हो जाता, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का क्षमता 15 हो जाता। आप यहाँ से देखिए कि कहता है बी अकेला कितना दिन में करता, अगर इसको आप ये दोनों का ऐड कर देते तो ए हो जाता, यहाँ डबल बी हो जाता, सी हो जाता, तो जब आप इसको आप इसमें से घटाते तो ए और सी कट जाता, डबल बी में से सिंगल बी बच जाता, वही बी का क्षमता कितना आ जाता 10 और 9 19, 19 में से 15 जाता 4 हो गया, 4 से भाग दे देते तो कितना दिन आ जाता 19 दिन आ जाता, सॉरी 90 दिन आ जाता। इस टाइप में इतना क्वेश्चन हो गया। अब अगले टाइप में फिर से इसको बताऊंगा। अब देखिए कि अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए कि कहेगा ए किसी काम का 3/8 भाग, ए किसी काम का 3/8 भाग 9 दिन में करता है। देखिए जब भी भाग वाला क्वेश्चन आएगा, 3/8 या 4/5 या 3/5 इस टाइप का आएगा, तो आप समय में उसको उलट कर गुणा कर दीजिए। ए किसी काम का 3/8 भाग अगर 9 दिन में करता है तो ए को कितना समय लगेगा, समय में भाग वाला से उलट कर गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता है 9, और इसको गुणा कर देते 3/8, इसको काट देते तो ए का कितना दिन लग जाता 24 दिन लग जाता। उसी तरीका से कहता है बी इसी कार्य के 2/3 भाग, अब डायरेक्ट उलट के गुना कर देते हैं, 2/3 भाग कहता है 8 दिन में, तो 8 को इसको ऐसे गुना कर देते हैं, 3/2 इसको काट दिए, ये कितना आ गया 12 दिन आ गया, बी 12 दिन में करता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब भी भाग वाला क्वेश्चन आएगा आप समय में उसको उलट के गुना कर दीजिए। कहता है ये किसी काम का 3/8 भाग 9 दिन में करता है तो एक कितना समय लगेगा, उलट के गुना कर दीजिए 24 दिन लगेगा। उसी तरीका से कहता है कि बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो उलट के गुना कर दिए बी कितना लगेगा, 8 गुणे उलट के गुना कर दिए 3/2, 12 दिन लग गया। अब कहता है कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये 12 और 24 का एलसीएम ले लेते, 12 और 24 का आप एलसीएम ले लेते तो 24 हो जाता,
और ये एक हो जाता और ये दो हो जाता, दोनों मिलकर कहता है आप 300 भाग दे दीजिए, 8 दिन लगेगा। एक बार और बता देता हूँ, जब भी भाग वाला क्वेश्चन आएगा उसको समय आप उलट के गुणा कर दीजिए। जैसे ये कहता है ये किसी काम का 3/8 भाग, ये किसी काम का 3/8 भाग 9 दिन में करता है, तो एक कितना समय लगेगा उलट के गुणा कर दीजिए, तो 9 × 8/3 हो गया, 24 लग गया। उसी तरीका से कहता है कि बी उसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में करता है, 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो समय में इसको उलट के आप गुणा कर दीजिए, तो बी कितना दिन लग गया, 12 दिन लग गया। अब पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि ये अगर 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये 24 और 12 कैल्शियम 24 हो जाता। अगर 24 काम को 24 दिन में करना है, इसका मतलब ए का क्षमता एक हो गया, बी का क्षमता 2 हो गया, तो दोनों मिल के कहता है तो 2 × 1 कितना हो गया, 3 से इसको भाग देते 8 दिन हो जाता। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कहता है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, कहता है ए किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है। ए किसी काम का 1/5 भाग अगर 6 दिन में करता है, तो एक यहाँ से देखिए कि समय कितना लगेगा, कि दिन में आप उलट के गुणा कर दीजिए, इसको उलट के गुणा कर देते हैं तो 1 30 दिन लगता है। उसी तरीका से कि एक बार लिख देते हैं, कहता है बी उसी काम को कहता है कि 4/5 भाग 16 दिन में करता है, तो बी को कितना समय लगेगा, तो बी को देखिए कि आप समय में उलट कर इसको गुणा कर दीजिए, तो बी को कितना समय लगेगा, कि बी को 20 दिन लग गया, बी को 20 दिन लग गया। अब आप देख लीजिए, ए किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है, तो ए को 30 दिन का समय लग जाएगा, बी को 20 दिन का समय लग जाएगा। अब कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 30 और 20 का LCM 60 हो जाता, इसका क्षमता 2 हो जाता, इसका 3 हो जाता, दोनों मिलकर कहता है ए हो गया और ये बी हो गया, इसको काट देते तो कितना दिन हो जाता, 12 दिन हो जाता। इतना समझ गए, एक बार और बता दूंगा कि जब भी आपको भाग वाला क्वेश्चन आए तो समय में आप उलट के गुणा कर दीजिए, तो 1/5 भाग 6 दिन में इसका मतलब 30 दिन लगेगा, बी कहता है 4/5 भाग 16 दिन में इसको काट देते तो 20 दिन आ जाता। अब दोनों मिल के कहता है कि इस काम को कितने दिन में करेगा। इतना समझ गए, इसी में एक और क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा इसी में देखिए, क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम के 50% को कहता है, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है, 16 दिन में। अब देखिए यहाँ से अगर समय निकालते हैं, 50% का मतलब हाफ होता है, तो समय में इसको उलट के गुणा कर देते, 50% का मतलब ये हाफ हो गया फ्रैक्शन, इसको आप उलट के गुणा करते 2 हो जाता, ये कितना दिन का समय लग जाता, 32 दिन का। उसी तरीका से कहता है कि बी जो है उसी उसी काम के 1/4 भाग को, बी उसी काम को 1/4 भाग कहता है कि 24 दिन में करता है, तो बी का कितना समय लगेगा, कि आप उलट देते इसको तो 1/ये उलट का आप देते हैं तो 24 × 4 हो जाता, तो बी का 96 दिन लगता, बी का 96 दिन लगता। अब देखिए एक आपको पूरा काम नहीं पूछा है, कहता है एक साथ काम करते हुए वो काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करता, 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करता। आप पहले 100% अगर काम निकाल लेते,
ए 32 दिन में करता है, अभी ये 96 दिन में करता है, ये दोनों कैल्शियम 96 हो जाता, ये 3 इसका क्षमता और इसका 1 हो जाता, तो दोनों मिलकर अगर निकालते तो ये 24 आ गया, ये 24 आ गया। लेकिन आपको पूरा कि नहीं पूछा, कहता है कि सिर्फ 3/4 भाग कितना दिन में करेगा, तो 3/4 भाग पूछ रहा है, तो इसको डायरेक्ट 3/4 से गुणा कर दिए तो ये कर जाता 6, और 6 कितना दिन आ जाता, 18 दिन आ जाता। एक बार फिर से बता देता हूँ, कहता है ये किसी काम का 50% भाग को 16 दिन में करता है, 50% का मतलब होता है हाफ होता है, 50% का मतलब हाफ, इसका मतलब 1/32 दिन का समय लगेगा। कहता बी उसी कार्य को, बी उसी कार्य को 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, इसका मतलब बी को 96 दिन लगेगा। अब कहता दोनों एक साथ करेगा, तो पूरा काम नहीं पूछ के आपको 3/4 भाग पूछ दिया, तो ए और बी दोनों मिलकर करता है तो 24 दिन में पूरा पूरा काम खत्म होता, लेकिन आपको 3/4 ही काम करवाना है, तो 3/4 से गुना कर दिए, इसको काट दीजिएगा तो 18 दिन आ जाता। इतना समझ गए। फिर से इसी को आप दूसरा तरीका से भी ऐसे भी बना सकते थे कि जब भी पर हम कल पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि टाइम एंड वर्क में, इस टाइम एंड वर्क में आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए फ्रैक्शन, प्रतिशत और एलसीएम का ज्ञान रहना जरूरी है। ए अगर कहता है कि 50% काम, ए कहता है 50% काम 16 दिन में करता है, टोटल काम अगर पूरा करना होगा तो 100% काम होगा, ये 50% 16 दिन में करता है तो 75% काम ये 24 दिन में करता, 25% काम 8 दिन में करता, तो 75% काम 24 दिन में हो गया। अब कहता है कि 1/b उसी कार्य के 1/4, बी 1/4, देखिए बी 1/4 भाग का, 1/4 का मतलब क्या होता है कि 25% होता है, इसका मतलब बी 25% काम को 24 दिन में करता है, बी 25% काम को 24 दिन में करता है। इधर से अगर निकालते तो 100% टोटल काम होता है, 100% ये 24 दिन में हो जाता, लेकिन आपको 100% नहीं पूछा है, ये 75% ही पूछा है, तो इसका मतलब कितना दिन हो जाता, 18 दिन हो जाता। एक बार और बता देता हूँ, ये 50% काम अगर 16 दिन में करता है तो 75% 24 दिन में करता, का है कि 25% 8 दिन में करता, 25% 8 दिन में टोटल काम पूरा पूरा 100% होता है, तो 75% ये 24 दिन में करता है, बी 1/4 भाग 24 दिन में करता है, 1/4 क्या मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%, इसका मतलब बी 25% 24 दिन में करता है। इधर 75 और 25 टोटल वर्क 100% हो गया, ये टोटल वर्क कितना दिन में होता, 24। अब आपको 100% नहीं पूछा, 3/4 पूछा है, 3/4 का मतलब 75% होता है, 3/4 का मतलब 75%, तो 75% जब 100% 24 होगा, इसका मतलब 25% 6, 25% 6, 25% 6, तो 25% अगर घटा देती है तो 6 इसमें घट जाता तो कितना दिन हो जाता, 18 दिन हो जाता। इतना समझ गए। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी टाइप का, क्वेश्चन ये है, कहता है कि ए 9 दिन में 50% काम करता है, ए 50% काम 9 दिन में करता है, ए 50% काम 9 दिन में करता है, और बी भी क्या करता है कि 9 दिन में 25% काम करता है, बी 9 दिन में 25% काम करता है, तब कहता है कि दोनों मिलकर 9 दिन में उसका कितना परसेंट काम करेगा, दोनों मिलकर कहता 9 ही दिन में, तो 50 25 कितना परसेंट दोनों करता 9 दिन में, 25% काम करता। एक बार और बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि ए 50% 9 दिन में करता है, बी 25% 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन करता
करेगा 9 दिन में कितना करेगा, 9 दिन में कितना प्रतिशत करेगा। तो यहाँ देखिए दिन अगर यहाँ दोनों बराबर है, ए 50% बी 25%, इसका मतलब दोनों मिलकर 9 दिन में 75% काम करेगा, दोनों मिलकर 9 दिन में 75% काम करेगा। बाकी और अगले वीडियो में बताऊंगा।